जिंदगी की सबसे क्लासिक थ्योरी यह है कि एक शिकार होता है और एक शिकारी जो उसके लिए जाल बिछाता है। दिलचस्प बात यह है कि कभी कभी एक शिकारी खुद शिकार हो जाता है। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक खेल खत्म नहीं हो जाता तब तक हम तय नहीं कर सकते कौन शिकारी है। मुझे तुम्हें और इस मच्छर में कोई अंतर नजर नहीं आता है, तुम दोनों ही खून चूसते हो। तो तुम कहना चाहते हो कि मैं अपना खाना बचाने के लिए मच्छर को मारती हूं? ये देखो। अच्छा, ये औरत, ये 30 साल से ज्यादा की नहीं होगी। तुमने जो सुराग दिए थे उनके बेसिस पे मैंने बिल्डिंग्स बनाई, ये सही बनी है? यही है। क्या कर रहे हो? ओ, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। अच्छा वैसे ये जो वैन है इसके अंदर डोनेटेड ब्लड है क्या? नहीं, ये ब्लड टेस्टिंग के लिए है। टेस्टिंग के लिए? तो फिर मैं चेक कर लेता हूं। नहीं, पीछे हटो। इसमें गलत क्या है? बस थोड़ी चेकिंग ही तो करनी है। हाँ, इसमें डोनेटेड खून है ना, मैं बस चेक करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली खून दिया है, हो सकता है इसमें मेरा भी हो। मैंने कहा नहीं। ओके, कोई बात नहीं। जॉब के लिए आए हैं आप? जॉब के लिए आए हैं? मुझे एक मिनट दीजिए। मैम, जॉब के लिए 2 एप्लीकेंट आए हैं।
हेलो हेलो हाय, मैं परी हूँ, यहाँ की एचआर हेड। ओह अच्छा, ये बात है। हाय। अपॉइंटमेंट ली है आपने? अपॉइंटमेंट ली? तुमने तो मुझसे कहा था कि सब सही है। कोई बात नहीं, मैं अभी फ्री हूँ। ओह ठीक है, ये तो अच्छी बात है। क्या आप लोग कपल हैं? हाँ। नहीं नहीं। तुम्हें तैयारी करके आना चाहिए था। कोई बात नहीं, ये सारी बातें आजकल मायने नहीं रखती। हाँ आपने सही कहा। हाँ जरा सुनो, मुझे एप्लीकेशन का फॉर्म दो। मैं ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? ये लीजिए, वो सब जान जाएगी। मुझसे गलती हो गई। ओह सच में? ये रहा आपका फॉर्म। ओह शुक्रिया। पहले आप फॉर्म भर लो, उसके बाद ही मैं आप दोनों का इंटरव्यू लूंगी। मैं अंदर आपका इंतजार करूंगी, आराम से, ठीक है? हाँ। एप्लीकेशन के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या उसके बाद ही तो इंटरव्यू होगा ना? एक एक करके आना प्लीज। ठीक है। ये लीजिए। शुक्रिया। ये सीसी कॉरपोरेशन इस गड़बड़ में जरूर शामिल है, वहां दोबारा जाना होगा। मतलब धनराज के हॉस्पिटल? हाँ ठीक है, मैं वारंट लेकर आती हूँ। क्या हमें इसकी जरूरत नहीं है? बिना वारंट के कैसे? क्या हम चुपके से अंदर जाएंगे? आपके साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आता है, कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते। अच्छा, इसी को तो पार्टनरशिप कहते हैं। लेकिन इस बार मैं वहां पे चुपचाप नहीं घुसूंगा। क्योंकि मेरे पास एक और अच्छा तरीका है। ओके। ये लीजिए मेरा फोन। तो मिस्टर अमन प्लीज बैठ जाइए। जॉब के बारे में बात करने से पहले मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहूंगी। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? रिलेशनशिप लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके बाद ही काम आता है और फिर दोस्त। और मैं इसके बारे में और जानना चाहती हूँ कि आप काम को ज्यादा महत्व दोगे या नहीं। पहले आपने कहा था कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बताइए सच क्या है? बताइए, आपने कहा था आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, सच क्या है? गर्लफ्रेंड है या नहीं? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बस वो एक सीक्रेट लव है और कुछ नहीं। तुम्हें क्या खाना पसंद है?
चिकन फ्राइड राइस। इन सब शब्दों के बारे में तुम क्या सोचते हो? पेरेंट्स, लवर, कलीग, प्रॉब्लम, आर्ग्यूमेंट और मौत के बारे में। मुझे लगता है मौत मुझसे बहुत दूर है। मौत तो प्राकृतिक होती है, पैदा होना और मरना दोनों ही प्राकृतिक होते हैं। तुम्हारी हॉबीज क्या क्या हैं? क्या क्या पसंद करते हो? गेम्स खेलना, मूवीज देखना और दोस्तों के साथ घूमना। सोना। क्या तुम कभी शराब नहीं पीते? मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। मैं कभी कभी ही पार्टीज में जाता हूँ, जैसे कि एंगेजमेंट पार्टी या फिर दोस्त की शादी हो तो। अच्छा, ओके, तुम्हारा इंटरव्यू खत्म होता है। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं चलता हूँ। ओके, हाँ ठीक है। तुम इन कपड़ों में बिल्कुल अलग दिख रही हो। हमें अंदर जाने के लिए ये सब करना जरूरी है क्या? हम वारंट के साथ भी तो अंदर जा सकते हैं। क्या हम वारंट पेपर ले आए? अच्छा, तो मैं चीफ को क्या बोलूंगा कि चीफ, मुझे कुछ अजीब चीजों पर थोड़ा शक हो रहा है इस हॉस्पिटल से रिलेटेड। और हाँ चीफ, ये सब एक वैम्पायर के बारे में है, ऐसा बोलूं ने? नहीं, आप कोई और भी रीजन तो दे सकते हैं। कम ऑन, हम पहले से ही अच्छे से प्लान कर चुके हैं ना। अंदर जाने का बस एक ही तरीका है और वो ये कि एक नकली पेशेंट बन के जाए। मतलब अगर सब कुछ उल्टा हो गया और उन्होंने हमें पकड़ लिया तो? उसकी चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। अगर वैम्पायर काटने आया तो मैं उसका सामना करूंगा। ऐसे क्या देख रहे हो, प्यार आ गया? ओह तेरी, अपने साथ स्पेक्स भी लाई हो? सर, आपको क्या लगता है, मैं बालों को बांध लूं या फिर खुले रखूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे तुम चाहो तो अपने सिर को शेव कर लो। लंच ब्रेक हा? हे, इंटरव्यू कैसा रहा? खराब। और तुम्हारा? अच्छा रहा। मिस परी बहुत ही क्यूट है। तुम्हें वो पसंद है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मुझे पसंद करती है। तुम सपने देख रहे हो क्या? ये बताओ, हम वो डेटा कैसे ढूंढेंगे जिसकी हमें तलाश है? थैंक यू वेरी मच, आप दोनों इंटरेस्टिंग हैं। मैं अभी लंच ब्रेक के लिए जा रही हूँ, तो मैं आपको बाद में कॉल करूंगी। जी शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। देखा वो मुझे कैसे देख रही थी, देखा उसे। तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैंने यहाँ का सिस्टम पहले ही चेक कर लिया है। ये बहुत ही मामूली है, मैं इसको आसानी से बाईपास कर सकता हूँ, इसे हैक कर सकता हूँ। देखो, एक मिनट, हमें HR के कंप्यूटर से डेटा ढूंढना है। वेरी
देखिए, आपकी यूरिन टेस्ट रिपोर्ट तो यही बताती है कि आपको इन्फेक्शन है। मैं चाहता हूँ कि आज आप यहीं रुकें ताकि हम सिम्टम्स ऑब्जर्व कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। चलिए तो मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। हाँ ठीक है। क्या अभी भी आपके पेट में दर्द हो रहा है? ओह, हल्का सा। ओह, आप आइए मेरे साथ। कुछ मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला। रुको, मिस परी ने मैसेज भेजा है, देखते हैं क्या। तुमने अपना नंबर कब दिया? मैंने तो नहीं दिया, मैंने जो एप्लीकेशन फॉर्म दी थी उससे उसने नंबर निकाल लिया होगा। क्या कह रही है वो? क्या तुम सच में काम करना चाहते हो? उसने एक और मैसेज भेजा, कह रही है कि आज मुझसे मिलने आओ इस लोकेशन पर। ये तो किसी पब का लोकेशन है। हाँ सच में, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। अगर मैं जाना चाहूं तो? तुम्हारी मर्जी। बताओ कुछ मिला कि नहीं? नहीं। तो फिर चलो चलते हैं, उसका ब्रेक खत्म हो गया तो हम फंस सकते हैं। हाँ चलो। तुमने कपड़े बदल लिए? हाँ, मेरे जाने का समय हो गया है। हाँ ठीक है, ठीक से आराम करना। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है। सही से दिखाई दे रहा है? हाँ। ओके। ठीक है, मैं झूठ भी अच्छे से नहीं बोल पाती, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। सुनो, नाम फेक है और कार भी। इस नाम का कोई भी पेशेंट रिकॉर्ड में नहीं है, और वैसे भी सेंटर केयर हॉस्पिटल पूरे देश में अपनी सर्विसेज दे रहा है। अच्छा, क्या आपको कैमरा नजर आ रहा है? सुजन, गलत साइड पे लगाया। अभी ठीक है? अब ठीक है। आज रात को मैं हॉस्पिटल में चेकिंग करूंगी, देखते हैं क्या मिलता है। ओके। सुजन, आप गलत साइड मत लगाना।
आपने मुझे बुलाया था तो मैं यहाँ पर आ गया। तुम यहाँ पर काम करने के लिए आए हो या मुझे देखने के लिए आए हो? मैं तो आपके लिए ही आया हूँ। ये लो। ओह, शुक्रिया। इस बात में मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट कर सकती हूँ। चलो बैठते हैं, यहाँ आओ। बॉटम्स अप। अब क्या बॉटम्स अप? कहीं आपको चढ़ तो नहीं जाएगी ना? ओह, तुम चिंता मत करो, ये बच्चों का खेल है। इसे पीने के बाद तुम्हारी नौकरी का रिजल्ट पता चलेगा। हाँ? पीने से ऐसा भी होता है क्या? हाँ, जो इंसान ड्रिंक पी सकता है उसे नौकरी भी मिल सकती है। ओहो। कोशिश करनी है। ठीक है, ट्राई करते हैं। ये कुछ दवाइयां खा लो ताकि रात में अच्छे से नींद आए। मैं सुबह आऊंगी तुम्हें देखने के लिए, ठीक है? मुझे ये खानी ही होगी। हाँ, खानी होगी। सुबह मिलते हैं। सुजन, वो दवाई कौन सी है? मुझे क्या पता, आप खुद ही देख लीजिए। hey, मुझे कुछ तो बता सकती हो ना उसके बारे में? सर, मैं चेकिंग पे जा रही हूं। Camp 5 clear. Locked है। और rooms try करो। और हाँ, थोड़ा संभल के रहना। ये भी locked है। मुझे लगता है मैंने सस्पेक्ट का रूम ढूंढ लिया है। उसमें जाओ सुजन, बस थोड़ी केयरफुल रहना। सर, मैं यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ। आसपास चेक करो, बस किसी को देखना मत। Thank you.
ठीक हूँ। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, चलो डांस करते हैं मिस्टर अमन। ओहो, मैं डांस करने में उतना अच्छा नहीं हूँ। चलो डांस करते हैं। मैं अपने ऑफिस में बस कभी कभी एक्सरसाइज करता हूँ। प्लीज चलो ना, बहुत मजा आएगा। प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है। बहुत से खून के सैंपल्स हैं। और खून को ऐसे क्यों रखा गया है? और इन सब पर डिस्क्रिप्शन भी लिखे हैं। सिर्फ ब्लड ग्रुप ही नहीं, मैं इनकी फोटो भी ले रही हूं। पूरी डिटेल्स लिखी है, स्किन टोन है, एजुकेशन है और आदतें भी हैं। वो इन सबको किस लिए यूज कर रहे होंगे? शायद ये लोग ह्यूमंस को कैटेगराइज कर रहे हैं। सूजन, अपने लेफ्ट में आगे बढ़ो, वहां तुम्हें एक ब्लड की बोतल मिलेगी। ये बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने देखी थी जब उन नर्सेस ने तुम्हें घेरा हुआ था। खून है। काम पर फोकस करो, जितने एविडेंस ला सकती हो लेके आओ, क्योंकि आगे की एनालाइजिंग इसी के ऊपर डिपेंड करेगी, समझी? हाँ। मुझे बाहर कुछ अजीब हरकत दिख रही है, वहां से निकलो। तुम क्या करने जा रहे हो? अमन ने मुझे हैक करना सिखाया था। एक आदमी से संभल के रहना, जल्दी सूजन। हाँ। सूजन, सूजन वहां से निकलो जल्दी। सर, ये इंसान का खून है।
और ये खून इस लिस्ट के लोगों को भेजा जा रहा है। ये सारे बड़े लोग हैं। मुझे लगता है ये लिस्ट वैम्पायर की लिस्ट है। मुझे अपलोड करो और जल्दी वहां से निकलो। ठीक है। सुसन, थोड़ा सा ही बचा है, एक मिनट। जल्दी हो गया सर। सर मैं यहां से निकल रही हूं। बहुत ही सेंसिटिव मामला था। सुसन, पता है तुम कितनी बड़ी पागल हो? मुझ पे गुस्सा मत करिए, आप वहां होते तो आप भी वही करते। सुसन, अब वहां से जल्दी निकलो। हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ सर। अरे सुसन, अब बातें बंद। एक नर्स तुम्हारी तरफ आ रही है, मुझे बिल्डिंग के पीछे मिलो। हेलो, हेलो सर। ओह, ऐसे टाइम पर फोन कट कर दिया। मैं वापस जा रही हूं, कपड़े वहां पर रखे। शुक्रिया। तुम्हारी वजह से पता है कितनी चिंता हो रही थी, लेकिन मैं सही सलामत वापस आ गई। इस कंटेंट के साथ हमें क्या करना है? अरे अंदर आओ। यहां बैठ जाओ। तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। क्या मैं बुरी हूं? नहीं, आप तो बहुत अच्छा डांस करती हैं। हम दोनों उस वक्त नशे में थे तो हमने डांस स्टेप्स पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये मैं कहाँ गया? मैं तुम्हें लेकर आई, कल रात तुमने बहुत पी ली थी। शूज भी नहीं निकाले। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तुम्हें मिस परी के बारे में बताना है। तो कल रात मैंने बहुत एंजॉय किया। मिस परी कमाल की लड़की है। दरअसल तुम्हें भी साथ होना चाहिए था।
मुझे लगता है तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। वो एक बुरी औरत है, तुम उसका शिकार बनने वाले हो। तुम्हें कैसे मालूम कि वो एक बुरी औरत है? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? हाँ, पब के सिक्योरिटी ने बताया। अमन चलो ना, मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। अच्छा ठीक है। फिर से क्या कहा? वो लड़का मेरा दोस्त है। हो, वो तुम्हारा दोस्त है? चिंता मत करो, वो कुछ भी बुरा नहीं करेगा। मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त के साथ बुरा होने वाला है। वो औरत एक डायन है, वो रोज नए लड़के लाती है। अच्छा तो तुम पब गई थी और तुमने वहां से इन्फॉर्मेशन निकाली। तुम मुझे फॉलो कर रही थी क्या? हाँ। जलन हो रही है? हे, इस आदमी को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? कोई बात नहीं, मैं मदद करूंगा। काम काम होता है और मजा मजा। मुझे ये पता चला है कि वो पब और वो ऑफिस एक ही एरिया में है, तो वो जरूर वहीं रहता होगा। या फिर मैं मिस परी के बारे में और जानकारी निकालता हूं, बस मुझे सेमिनार अटेंड करने दो। रुको, वहां जाने से पहले मुझे टॉयलेट जाने दो, बहुत जोर की लगी है। अब क्या? हम रजिस्टर करेंगे, एडिटर ने यही कहा है। लेकिन इस काम में आखिर इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? सही कहा, तुमने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों की? कुछ बहाना बना देते ताकि हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। और मिस परी के ऑफिस का क्या हुआ? सब गड़बड़ कर दी। तुम हमेशा मुझे क्यों दोष देती हो? अगर मैंने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की होती तो ऑफिस के लोग हम पर शक करते कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है हम पर कोई नजर रख रहा है। वहां तो कोई भी नहीं है। पकड़े गए। अच्छा तो तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें पार्किंग लॉट में रुकने के लिए कहा था ना। यही वो आदमी था? क्या हुआ? नहीं कोई बात नहीं बॉस। तुम लोग यहीं रुको, मुझे अपने कार्ड्स दो, मुझे रजिस्टर करवाना है। लाओ मैं मदद करूं तुम्हारी। नहीं मैं निकाल लूंगा। मुझे निकालने दो ना। ये लीजिए बॉस, रजिस्टर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।
शुक्रिया बॉस। वेलकम। ये कार्ड्स हैं। शिल्पा यहाँ आ गई है, मैं अब रजिस्ट्रेशन बंद कर रहा हूँ। विस्परी ने मुझे मैसेज भेजा है। इसे पढ़ूं क्या? क्या लिखा है? देखो, ज्यादा मस्ती मत करो। गुस्सा क्यों करती हो? वो मुझे बाहर घूमने के लिए बुला रही है आज रात। हाँ, फिर से तुम्हें साथ चलना है? तुम साथ चलना चाहोगी? क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने इतनी जल्दी रजिस्ट्रेशन क्यों बंद कर दिया? अभी बहुत से लोग आने बाकी हैं। जानता हूँ, मगर अब बंद है। अगर ये फुल नहीं हुआ तो? अमन, शिल्पा आओ। चलो, बॉस ने बुलाया है। बताओ, साथ में चलोगी? शिक्षा।